हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट कोचिंग आज जो मॉडल पढ़ेंगे उसका नाम है कनेक्शनिस्ट मॉडल या फिर हम इसको शॉर्ट में पीडीपी मॉडल भी बोलते हैं पीडीपी मतलब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी रूमल हार्ट और मैक ने ये मॉडल के बारे में बात करी थी तो इसमें ये पी जो बात कर रहे हैं पैरल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ये एक तरह की कंप्यूटर प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो so, uh, अब इसमें देखते हैं क्या है मैनी पीपल हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस मॉडल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन बट डेविड रूमल हार्ट एंड जेम्स मैकलेन हैव डन द मोस्ट टू फॉर्मलाइज द थ्योरी सो मॉडल इज इंस्पायर्ड कंसर्न विद द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इट इज अ टाइप ऑफ वन न्यूमन कंप्यूटर इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन सिक्वेंशियल स्टेप्स तो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन माइंड है उसको इन्होंने एक वन न्यूमैन कंप्यूटर से कंपेयर किया है जो कि एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है उसमें जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्वेंशियल स्टेप्स में प्रोसेस होती है सीक्वेंस में ऑल्टरनेटिवली माइट द ह्यूमन माइंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन अ मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअली इंटरेक्टेड पैरल सिस्टम इन विच वेरियस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली थ्रू एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन ऑफ न्यूरल सेल्स अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन माइंड जो है उसमें मैसिवली एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है नेटवर्क न्यूरॉन्स का बहुत ज़्यादा मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना चल के साइमल्टेनियसली भी चलता है तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी होती है सो दीज पी डी पी मॉडल्स एज्यूम दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस थ्रू इंट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड यूनिट्स ईच सेंडिंग एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी एक्साइटेटरी सिंबल सिग्नल्स क्या होते हैं जो न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं जो आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म भेजने के लिए एक्साइट करते हैं इन्हीबिटरी सिग्नल्स होते हैं जो उसको रोकते हैं जैसे पेन हो रही है आपको तो एक्साइटेटरी सिग्नल है आपकी पेन धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि इन्हीबिटरी सिग्नल उसको कम कर देते हैं तो ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्म पी मॉडल ये एज्यूम करता है कि जो माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो बहुत सारे यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व है यूनिट यहाँ पे हम न्यूरॉन मान के चल सकते हैं जो एक्साइटेटरी और इनिबिट्री सिग्नल के थ्रू काम करते हैं सो दीज यूनिट्स में स्टैंड फॉर पॉसिबल गेसिस अबाउट लेटर्स इन अ स्ट्रिंग और वर्ड्स और नोट्स ऑन अ स्कोर इन दी अदर सिचुएशन द यूनिट में स्टैंड पॉसिबल फॉर गोल्स एंड एक्शन सच एज़ रीडिंग तो ये यूनिट छोटे भी हो सकते हैं जैसे समझ लो एक पर्टिकुलर वर्ड वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी हो सकते हैं या एक पूरे पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं वो भी हो सकते हैं मतलब ये यूनिट छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं किसी के गोल्स और एक्शन भी यूनिट जैसे रीडिंग पे एक पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है लेटर रीडिंग और प्लेइंग तो दिस यूनिट्स कैन भी जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं जो सिग्नल जहाँ से हमें आ रहा है मे बी ये स्टिमुलस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टिमुलस है जहाँ से हमें सिग्नल्स आते हैं वो स्टिमुलस छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं सो पी डी पी मॉडल्स आर कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी सच एज अब यहाँ पे पी डी पी मॉडल लार्ज यूनिट की बात कर रहे हैं जैसे रीडिंग परसीविंग प्रोसेसिंग सेंटेंसेज एक्सेट्रा कनेक्शनिस्ट मॉडल जो कि इसको हम बोलते हैं पीडीपी मॉडल को अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब मेमोरी फ्रॉम इवन फाइनर ग्रेन्ड एनालिसिस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स विच रिजेंबल न्यूरॉन्स अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस करते हैं जो स्टिमुलस को जिनके बीच में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं जो कि हमें पता है एंड द कनेक्शन इस मॉडल इज बेस्ड ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ लॉज दैट गवर्न द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन द मेमोरी वन एडिशनल फीचर ऑफ़ द पी डी पी मॉडल ऑफ मेमोरी इज दैट इट ज इट इज़ नॉट जस्ट अ मॉडल ऑफ मेमोरी इट इज ऑल्सो अ मॉडल फॉर एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज तो पी डी पी मॉडल एक तो आपको ये बता रहे हैं कि मेमोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है हमारे माइंड में सेकेंडली ये बता रहे हैं कि एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कैसे हो होती है मतलब नॉलेज जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है

यूनिट्स आर सिम्पल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स दैट स्टैंड पॉसिबल फॉर हाइपोथिस अबाउट दी नेचर ऑफ थिंग्स सच एज लेटर इन अ डिस्प्ले एक्सेट्रा यूनिट्स कैन बी कंपेयर टू एटम्स इन दैट बोथ आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तो यूनिट क्या है वो छोटे छोटे आइटम्स की तरह है जो मिलकर एक प्रॉपर मैटर बनाते हैं ऐसे यूनिट भी एक छोटे छोटे एटम जैसे हैं जो मिल के आपका पूरा एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं A neuron in the brain is इन type ब्रेन इज अ टाइप ऑफ यूनिट neuron अदर a इन processing मोड तो न्यूरॉन भी कह रहे हैं कि यूनिट की तरह है जो पैरेलल प्रोसेसिंग मोड में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू मॉड्यूल्स जैसे आइटम्स को हम मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे यूनिट्स को इन्होंने मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज किया है द नंबर ऑफ यूनिट्स पर मॉड्यूल रेंज फ्रॉम थाउजेंड टू मिलियंस तो एक मॉड्यूल में थाउजेंड या मिलियंस यूनिट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो ईच यूनिट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग पासिस इंफॉर्मेशन तो एक जगह से एक मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन आती है एक मॉड्यूल में उसके बाद वो प्रोसेस होके आगे चली जाती है जैसे हमने न्यूरॉन्स में देखा है सो इन दिस मॉडल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड परमिएटेड थ्रू द मॉडल लीव ट्रेसिस बिहाइंड वैन इट इज फास्ट थ्रू दीज ट्रेसिस चेंज इन स्ट्रेंथ एंड ऑफ द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इन द मॉडल तो इस यूनिट में ये यही बात कर रहे हैं तो ये कनेक्शंस की स्ट्रेंथ कभी ज़्यादा होती है कभी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है जैसे सपोज आप किसी फ्रेंड को के नाम को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो फ्रेंड का नाम आपने सेव किया आपकी मेमोरी में सेव्ड है कहीं पे तो वो भी बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा नहीं है कि आपको सडनली एक ही चीज़ से उसका नाम याद आ जाएगा मे भी आ, उसका एड्रेस या उसकी फ़ोटो के या अलग अलग चीज़ों को के जैसे आप कंप्यूटर में सर्च करते हो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही होती तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हो तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क बने होते हैं हमारी मेमोरी में, में भी और कहीं ना कहीं से वो नेटवर्क कनेक्ट कर जाता है और हमें वो चीज़ याद आ जाती है ऐसे ही ये आगे भी बोल रहे हैं जैसे कि सपोज आपसे कोई किसी चीज़ किसी पर्सन के बारे में पूछे और बहुत ही वेग सा पूछे जैसे सपोज कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर टेनिस पार्टनर जिसके साथ आप टेनिस खेलते हो अब उस केस में अगर आपका एक ही टेनिस पार्टनर है तो आपको याद करना ईजी हो जाता है लेकिन अगर आप मल्टीपल पार्टनर आप अलग अलग लोगों से खेलते हो टेनिस एंड देन आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उससे और ज्यादा डिटेल मांगोगे कि कौन सा वाला पार्टनर उसका कुछ फिजिकल अपीरेंस बताने के लिए बोलोगे या कोई और चीज़ उसके बारे में फिर आपके जो न्यूरल कनेक्शंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं वो नेटवर्क्स बने होंगे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड होगी सबके बारे में तो वहाँ से जो भी आपको क्यूज़ मिलेगा क्यूज़ मतलब जो भी हिंट आपको कोई देगा या जो भी आपको क्यूज़ मिलेंगे उससे आपको वो चीज़ें कनेक्ट करके आपकी मेमोरी में वो चीज़ आपको याद करनी इजी हो जाएगी इसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी होता है जैसे हम कोई चीज़ कीवर्ड डालते हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं आप सर्च करते हो तो वो उसमें आ जाती है कंप्यूटर में ऐसे ये बोल रहे हैं हमारी मेमोरी में भी बहुत सारे कनेक्शन हैं जो कि पैरलली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं उससे रिलेटेड नई सर्च मिलता तो हमें उसे और स्पेसिफिक डालना पड़ता है उससे रिलेटेड और, और चीज़ें भी उसमें डालनी पड़ती हैं सो इन्फॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरस कनेक्शन तो बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जो कि जिसके ऊपर ये बार बार स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पी डी पी मॉडल जो है वो न्यूमरस कनेक्शनस की बात करता है जैसे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होता है तो इस पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर इस मॉडल में बात करी हुई है जिसका नाम कनेक्शनिस्ट मॉडल क्यों है क्योंकि कनेक्शंस की बात हो रही है अब इसी में कहीं ना कहीं वो प्रोटोटाइप वाला एग्जाम्पल भी सही बैठता है अगर आपको याद हो हमने प्रोटोटाइप पढ़ा हुआ था तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि यार जैसे किसी बच्चे ने एक डॉग का प्रोटोटाइप एक सेव कर रखा है अपने माइंड में वो ऐसे ही किसी जानवर को देखता है या डॉग जैसी किसी एनिमल को देखता है तो वो अपने माइंड में उससे रिलेटेड कनेक्शन नेटवर्क्स उसके ढूंढता है उसके थ्रू उसको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फीचर्स उस डॉग को उस एनिमल को डॉग की कैटेगरी में डालेंगे या किसी और कैटेगरी में डालेंगे तो वो प्रोटोटाइप फॉर्मेशन होती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके पीड पीडीपी मॉडल को ही जाके अप्रूव करती हैं। सो द रैशनल ऑफर्ड बाय कनेक्शनिस्ट मॉडल फॉर प्रोटोटाइप फॉर्मेशन इन द केस ऑफ बॉय एंड इज प्रोटोटाइप डॉग इज दैट ईच टाइम बॉय सीज अ डॉग विजुअल पैटर्न ऑफ़ एक्टिवेशन इज प्रोड्यूज ओवर सेवरल ऑफ यूनिट्स इन द मॉड्यूल तो जैसे ही वो डॉग को देखेगा उसके माइंड में कितने सारे यूनिट्स हैं सब में एक विजुअल पैटर्न एक्टिवेट होगा द नेम ऑफ द डॉग प्रोड्यूस रिड्यूस पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन अगर उसका नाम सुनेगा तो वो अलग टाइप का कोई पैटर्न होगा जो एक्टिवेट होगा मतलब अगर वो सुनेगा तो उसको अलग टाइप के पैटर्न को एक्टिवेट करेगा वो उसके माइंड में अगर वो उसको देखता है तो विजुअल पैटर्न अलग एक्टिवेट होगा द कंबाइंड एक्टिवेशन ऑफ ऑल एग्जाम्पलर डॉग सम्स टू अ प्रोटोटाइप डॉग तो दोनों को कंबाइंड करके एक स्टेबल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन उसके माइंड में बनी हुई है और वो उसको मेमोरी uh, की तरह वो बाद में उसको रिकॉल कर सकता है द मॉडल मोर डिटेल देन प्रेजेंटेड है दिस फॉर्म ऑफ मेमोरी क्वाइट नाइसली

तो अब ये आपका ब्लॉक वन खत्म हो गया ब्लॉक टू में हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग